आज हम C4 पाथवे इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। C4 पाथवे, अभी एक्चुअली C4 पाथवे क्या है स्टूडेंट? C4 पाथवे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी पाथवे को हैच स्लैक पाथवे इसी नाम से जाना जाता है। अभी देखो स्टूडेंट, हैच स्लैक पाथवे हमें डिस्कस करना है कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल के साथ, और एग्जांपल के तौर पर सबसे फर्स्ट हम शुगर केन को लेते हैं, शुगर केन। उसके बाद मेज के अंदर भी ये साइकिल हमें दिखाई देती है, देन स्वर्गम, उसके बाद यूफोरबिया, ये कुछ एग्जांपल वहाँ पर हो चुके हैं। अभी C4 साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है स्टूडेंट। अगर 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है तो उसे हम C4 साइकिल कहते हैं, जो प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम उसे C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, C4 साइकिल जो प्लांट्स परफॉर्म कर रहे हैं वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पर कर रहे हैं। अभी एक्चुअली कंडीशंस क्या है? कंडीशंस के अंदर फर्स्ट कंडीशन है, अगर O2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये साइकिल वहाँ पर होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी ये साइकिल वहाँ पर होती है। तो ये कुछ कंडीशंस है। अभी ये साइकिल परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस होना ज़रूरी है। अभी एडेप्टेशंस क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे। एडेप्टेशंस क्या है? एडेप्टेशंस प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट है स्टूडेंट। जो फर्स्ट एडेप्टेशंस है उसी के अंदर डायमॉर्फिज्म, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो सेकंड अडाप्टेशन है वो है क्रांज एनाटॉमी। तो इसी तरह से दो अडाप्टेशन वहाँ पर दिखाई दे रहे स्टूडेंट। अगर डायमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट है तो इसी का मीनिंग क्या होता है? प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमें दिखाई देते हैं। एक है मेसोफिलस सेल, इसी के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, और जो बंडल सीथ सेल है उसी के अंदर ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। तो इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट हमें दिखाई देते हैं। जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट वो है मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स, और उसी के अंदर चलती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। उसके बाद जो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है बंडल सीथ सेल के अंदर, बंडल शीत सेल के अंदर, और उसी के अंदर चलती है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम C3 पाथवे कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ हो चुका है फर्स्ट एडाप्टेशन, जिसके अंदर ग्रैनल और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अभी देखो उसके बाद क्रांज एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्रांज एनाटॉमी क्या होती है? लेकिन बिफोर टू द क्रांज एनाटॉमी हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर निकालते हैं स्टूडेंट। स्ट्रक्चर जब निकालते हैं तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसी तरह से दो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इनर है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसी मेम्ब्रेन के साथ अंदर प्रेजेंट रहने वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को हम ग्रैनम कहते हैं, यानी कि बंच ऑफ द थाइलेकॉइड। इसी बंच ऑफ द थाइलेकॉइड के साथ हमें दिखाई देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और कुछ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अभी देखो यहाँ पर है ग्रैनम, अराउंड टू द ग्रैनम हमें दिखाई देता है स्टूडेंट स्ट्रोमा, जो इस तरह से स्ट्रोमा, ठीक है। इसी स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम्स भी है, यानी कि एग्जैक्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो हमने इसी से पहले भी देखे वाला है तो वही हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये हो चुका है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब हम ए ग्रैनल के बारे में सोचते हैं तो हमें ए ग्रैनल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, उसी के अंदर भी आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन्स हैं। देन
मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर है स्टूडेंट स्ट्रोमा, लेकिन स्ट्रोमा के अंदर हमें एक मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर हमें ग्रैनम नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर सीधा हमें स्ट्रोमा लैमेली ही दिखाई देते हैं, और जो स्ट्रोमा लैमेली है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है बस, बाकी उतना कुछ वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ये है स्ट्रोमा लैमेली। तो ये हो चुका है ग्रैनल और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अभी देखो स्टूडेंट, जो ए ग्रैनल है यहाँ पर हम इसे लेबल करते हैं ए ग्रैनल, और ये है ग्रैनल, ठीक है। जो ए ग्रैनल है वो प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल के अंदर, और जो ग्रैनल है वो प्रेजेंट है मेसोफिल सेल के अंदर। अभी क्रांस एनाटॉमी क्या होती है? जब क्रांस एनाटॉमी हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें स्ट्रक्चर निकालना होता है लीप का, और जब लीप का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो इसी क्रांस एनाटॉमी की हमें अरेंजमेंट दिखाई देती है, वो है वीर्थ लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। जो वीर्थ लाइक अरेंजमेंट है वो किसकी है? वो अरेंजमेंट है स्टूडेंट बंडल शीथ सेल की, शीथ सेल्स, ठीक है। अभी इसी के लिए हम स्ट्रक्चर निकालते हैं जो लीप का स्ट्रक्चर है। लीप के स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट एक्सटर्नल पार्ट जो है जिसे हम कहेंगे क्यूटिकल, उसके बाद हमें कंटिन्यू लेयर दिखाई देता है सेल का, जो लेयर है इस तरह से, जिसे हम इपीडर्मल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीडर्मल सेल्स और इपीडर्मिस, जो लेयर फॉर्म हो चुका है। इपीडर्मिस के बारे में हमें और एक उसके बाद दिखाई देता है सेल का लेयर, जिसे हम पैलिसेड सेल्स कहते हैं, जो पैलिसेड सेल्स यहाँ पर है, दीज आर द पैलिसेड्स, ठीक है। अभी पैलिसेड सेल के बाद हमें कुछ स्पॉन्ज सेल्स दिखाई दे रही इस तरह से, ज़्यादा बड़ा हम स्ट्रक्चर नहीं निकालने वाले। तो ये देखो, ये स्पॉन्ज सेल्स है, स्पॉन्ज सेल। तो इस तरह से हमें डिफरेंट सेल्स वहाँ पर दिखाई देते। अभी देखो स्टूडेंट, जो पैलिसेड सेल्स है उसी के अंदर है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, और जो स्पॉन्जी सेल है उसी के अंदर है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है लोअर एपिडर्म, जो डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, लोअर एपिडर्म। तो ये हो चुका है एग्जैक्ट लोकेशन। अभी देखो, लोकेशन जब हम पता चला है हमें ग्रैनल और ए ग्रैनल का, लेकिन जो क्रांस एनाटॉमी है वो यहाँ पर दिखाई देती है इस तरह से, बंडल शीथ सेल का हमें अरेंजमेंट दिखाई देता है, और ये जो सेल है इसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अभी देखो, बंडल शीथ सेल्स के अंदर ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, सॉरी यहाँ पर स्पॉन्जी सेल्स के अंदर नहीं, तो बंडल शीथ सेल के अंदर दिखाई देता है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अभी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो है वो बंडल शीथ सेल के अंदर है, और ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें पैलिसेड के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो थोड़ा उसे करेक्ट करना। तो ये हो चुका है क्रांस एनाटॉमी के बारे में। जो बंडल शीथ सेल का अरेंजमेंट है वो वीर्थ लाइक है, और वीर्थ लाइक अरेंजमेंट रहने की वजह से हम इसे कहते हैं क्रांस एनाटॉमी। अभी देखो, बंडल शीथ सेल जो वास्कुलर बंडल के अराउंड में प्रेजेंट है, और वास्कुलर बंडल के अराउंड में प्रेजेंट रहने की वजह से हम इसे कहते हैं क्रांस एनाटॉमी, और उसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते। अभी ये हो चुके हैं अडेप्टेशंस फॉर द फूड प्रोडक्शन इन C4 प्लांट। लेकिन C4 प्लांट के अंदर अगर अडेप्टेशंस हो रहे तो C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल किस प्रकार से होती उसे हमें डिस्कस करना है। उसे डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अभी देखो, एक्चुअली हम साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो साइकिल क्या है, ठीक है, साइकिल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो साइकिल देखते समय हमें पता चलता है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और किस प्रकार से फूड फॉर्म हो रहा है C4 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अभी देखो स्टूडेंट, C4 साइकिल देखने के लिए हमें याद रखना है कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे फर्स्ट हम याद रखेंगे
कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स को, जो एंजाइम है स्टूडेंट, ठीक है, उसे याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे हम पेप्टाइड्स, पेप्टाइड को। उसके बाद हम याद रखेंगे स्टूडेंट थर्ड, जिसे हम कहेंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। देन स्टूडेंट हमें याद रखना है रूबिस्को, और फाइनली हमें याद रखना है एटीपी को। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कीज है जो हम यहाँ पर याद रखने वाले। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और उसे एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है वाटर के साथ, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। जो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है, उसके बाद हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पर है एंजाइम नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, ठीक है। रिएक्शन कार्बोनिक अनहाइड्रेट की हेल्प से कंप्लीट होती है और प्रोडक्ट मिलता है HCO3। उसी HCO3 का आगे रिएक्शंस होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, और जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यहाँ पर रिएक्ट होता है तो यहाँ पर एंजाइम है स्टूडेंट पेप्टाइड को, दैट इज़ द सेकंड नंबर, ठीक है। इसी तरह से अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं ऑक्सलोएसिटिक एसिड, जिसे के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है, और इसी के बेसिस पर हम इस साइकिल को C4 पाथवे के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्ट जो मिला है, उसी प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड। अभी यहाँ तक रिएक्शन हो चुकी है स्टूडेंट मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। ये जो है ये मीजोफिल सेल है, इसी के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अभी देखो मीजोफिल सेल के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है अनदर जो सेल है जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। मैलिक एसिड सीधा ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल के अंदर, और जब बंडल शीथ सेल के अंदर आने वाला मैलिक एसिड है उसी के अंदर भी 4 कार्बन है, इसी मैलिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है पाइरुविक एसिड के अंदर, पाइरुविक एसिड। और जब ये पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसी के अंदर 3 कार्बन है स्टूडेंट। अभी एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकले वाला है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन RUBP के साथ रिएक्ट होता है, और यहाँ पर इसे रिएक्ट करने के लिए एक एंजाइम है जो हमने यहाँ पर लिखे वाला है 4 नंबर, दैट इज़ द रूबिस्को, और उसी की हेल्प से यहाँ पर होता है केल्विन साइकिल, यानी कि C3 पाथवे कंप्लीट। और जब C3 पाथवे कंप्लीट होता है तो इसी से हमें मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद देखो ये पाइरुविक एसिड है सीधा एंटर होता है मीजोफिल सेल के अंदर, और मीजोफिल सेल के अंदर एंटर होने के बाद हम सभी को पता है इसी के अंदर 3 कार्बन है, ठीक है। पाइरुविक एसिड अगेन कुछ एनर्जी पार्टिकल्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसा कि ATP, और जो कन्वर्ट होते हैं AMP के अंदर, यानी कि मोनोफॉस्फेट के अंदर, और हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो अगेन यहाँ पर साइकिल के फॉर्म में दिखाई देता है पाइरुविक एसिड, जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से अगेन वहाँ पर कंबाइन होता है। तो इस तरह से ये हो चुकी है C4 पाथवे, और ये हो रही है मीजोफिल साइकिल के अंदर, सॉरी मीजोफिल सेल के अंदर। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है कंप्लीट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो इसी तरह से 2 डिफरेंट सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है C4 पाथवे को कंप्लीट करने के लिए। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। सबसे फर्स्ट हमें याद रखना है इसी के अंदर जो ATP यूज़ हो रहे हैं वो ATP अलग तरीके से हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो ATP है वो AMP के फॉर्म में हमें यहाँ पर यूज़ हुआ वाला, यानी कि ATP का यूज़ हो चुका है और उसी का कन्वर्जन AMP के अंदर हो चुका है, यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल वहाँ पर हम ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे ATP जो C3 के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो है 18 ATP, और जो ATP C4 के अंदर हमें दिखाई देते हैं ओ C4 के अंदर यूज़ होने वाले ATP ओ है 12, यानी कि साइकिल के बारे में जब हम सोचते हैं तो 12 ATP वहाँ पर हमें लेना होता है। इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी यहाँ पर टोटल 30 ATP रिक्वायर होते हैं। अगर 30 ATP यहाँ पर लग रहे तो ये एक्सपेंसिव है स्टूडेंट, एक्सपेंसिव
प्रोसेस है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस रहने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा एनर्जेटिकल भी है और ज़्यादा वहाँ पर इसी का यूटिलाइजेशन प्लांट के अंदर हमें उतना दिखाई नहीं देता है। तो ये हो चुके हैं C4 साइकिल, तो इसी के बारे में हम इतना याद रखेंगे। अभी देखो साइकिल के अंदर हमने क्या देखने वाला है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमें पता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और उसे रिएक्ट करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का यूज़ होता है जो एंजाइम के फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज द HCO3, उसी का रिएक्शन फॉस्फोइनल पाइरूवेट के साथ होता है और प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच हैज़ फोर कार्बन आइटम, उसी के अंदर फोर कार्बन आइटम है, और जब फोर कार्बन आइटम उसी के अंदर प्रेजेंट है तो हमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसे C4 साइकिल के नाम से जानते हैं ये टोटल साइकिल को, ठीक है। उसके बाद मैलिक एसिड से हमें मैलिक एसिड से पाइरूविक एसिड मिल रहा है, उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, यानी कि C3 साइकिल कंप्लीट हो रही है वो बंडल सीथ सेल के अंदर, उसी को डार्क साइकिल के नाम से और डार्क रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। देन पाइरूविक एसिड अगेन कंबाइन विद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दैट इज द ATP एंड AMP फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। तो ये हो चुका है C4 पाथवे, ठीक है स्टूडेंट।